नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसल डिजिटल और मैं हूं आपके साथ नविंदु कुमार। आज पीएम नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में मूलचंद मोदी और हीराबेन के घर हुआ था। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आते हैं। बचपन से ही पीएम मोदी काफ़ी मेहनती थे, यही कारण है कि उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। मोदी के बारे में वैसे तो कई किस्से कहानियां हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसे कम ही लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी को कट्टर हिंदू माना जाता था। गुजरात में 2002 दंगों के बाद तो उन्हें मुस्लिमों के खिलाफ ही लोग मानते थे, खासकर मुस्लिम समुदाय तो उन्हें अपना विरोधी ही मानता था। तब इन विरोधियों में से एक विरोधी थे जफर सरेशवाला। गुजरात दंगों के समय उनका सब कुछ लूट गया था। सरेशवाला एक गुजराती मुस्लिम परिवार से आते हैं और उनका परिवार 250 साल से अहमदाबाद में रहकर कारोबार करता है। 2002 दंगों से पहले उनका परिवार सबसे अधिक जकात यानी दान देने वाले लोगों की सूची में आता था, लेकिन दंगों के बाद उनका घर व्यापार सब तबाह हो गया। इस हिंसा में उनके दफ्तर को जला दिया गया, सारी चीज़ें आग के भेंट चढ़ गईं। सरेशवाला पर क्या बीती होगी आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे 9 महीनों तक अपने जले हुए दफ्तर में नहीं गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपने जज्बे और लगन के बूते व्यापार को फिर से खड़ा किया। इसी भयावह हादसे के बाद जफर सरेशवाला नरेंद्र मोदी के प्रमुख विरोधियों में से एक बन गए और भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए। यहाँ उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अन्य मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में केस करने का फैसला किया। इस दौरान उन्होंने मोदी के विरोध में कई रैलियाँ भी की, लेकिन साल 2003 में सरेशवाला ने कुछ लोगों के कहने पर महेश भट्ट और रजत शर्मा की मदद से मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मोदी और सरेशवाला जैसे ही एक दूसरे के सामने आए, मोदी ने जफर सरेशवाला के कंधे पर हाथ रखते हुए मजाक के लहजे में कहा, यार क्या तू भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है, तुम्हारी ज़रूरत हिंदुस्तान को है। सरेशवाला ने मोदी के साथ लंबी मुलाकात की ताकि मतभेदों को दूर किया जा सके। इस दौरान मोदी ने सरेशवाला को भरोसा दिलाया कि वह मुसलमानों से नफरत नहीं करते बल्कि गुजरात के सभी लोगों के मुख्यमंत्री हैं। साथ ही मोदी ने एक कागज पर अपना नंबर लिखकर सरेशवाला को दिया और कहा कि कोई भी दिक्कत हो आप हमें 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके लिए मौजूद रहूँगा। इस दौरान मोदी ने सरेशवाला से दो वादे किए, पहला कि मैं अब गुजरात में फिर से दंगे कभी नहीं होने दूंगा और दूसरा 2002 के दंगे में जो भी लोग शामिल हैं उन्हें मैं सजा दिलवाऊंगा। इस मुलाकात ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सरेशवाला की नफरत को कम कर दिया। वे साल 2005 में ब्रिटेन से वापस गुजरात लौट गए और अपना कारोबार भारत से ही संभालने लगे। सरेशवाला को अब मोदी के सबसे करीबी लोगों में माना जाता है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का नंबर सरेशवाला के मोबाइल में स्पीड डायल पर है। जफर भी कई मौक़ों पर कहते दिखे हैं कि मोदी ने गुजरात में इतना विकास किया और सबके लिए किया कि अब वहाँ के मुसलमान यानी कि गुजराती मुसलमान नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते। खैर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।